एक्सक्यूज मी जी मैम, अब कैसी तबीयत है मेरे हस्बैंड की? मुझे उनके पास जाना है। जी मैम, आप जा सकती हैं। ओके। शहर के मशहूर बिजनेसमैन विराज कुमार एक कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस एक्सीडेंट में उन्हें काफी चोटें आई हैं। उनका इलाज शहर के सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार उनकी स्थिति अभी स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। ये क्या है? मीडिया वालों को कैसे पता चला? और हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर इन्हें कैसे मिली? मैंने सबको विराज के कमरे में जाने से मना किया था ना तो फिर ये सब क्या है? जरूर स्टाफ में से किसी ने ये काम किया है। विराज के एक्सीडेंट की खबर से कंपनी के शेयर नीचे गिर सकते हैं। समझ रही हो तुम कितनी सीरियस बात है ये? मैम, हमारे स्टाफ में से किसी ने यह काम नहीं किया है और सर की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैम, कोई भी नर्स या कोई भी स्टाफ उनके रूम में नहीं जा सकता। तो आप कहना चाहती है कि हम लोगों ने विराज की तस्वीर को लीक किया है? मैम, मेरा कहना ये नहीं है। किसी ने भी ये काम किया ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप लोग? बात मीडिया तक पहुँच जाती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक कम्प्लेन करूंगी पूरे स्टाफ की, तब समझ में आएगा आप लोगों को। मैम, गला काट के मारा है। पूरा सामान बिखरा हुआ है। कमरे की हालत देख के तो लगता है अच्छी खासी हाथापाई हुई है यहाँ पे। सर, हाथापाई हुई है, सामान बिखरा हुआ है, तो बाहर किसी ने सुना कैसे? नहीं वही तो। और तो और, कोई इस आदमी को जानता भी नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं कि आदमी अंदर आया कैसे। सर, हमें कुछ पता नहीं यहाँ कैसे आए। और सर, विराट तो काफी हाई प्रोफाइल पेशेंट है, हर किसी को उनके रूम में जाने की परमिशन भी नहीं है। अच्छा, अगर किसी को इनके रूम में जाने की परमिशन नहीं है तो ये कौन है जो कमरे के अंदर गया और उसकी मौत हो गई? एक्चुअल में सर, विराज की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो बेड से हिल भी सके। जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ है। आप कौन? सर, मैं अभय हूँ, विराज का दोस्त। मैं उसको लेकर हॉस्पिटल आया था। ये सब हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से हुआ है। सर, वो कहाँ है? उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है सर, उन्हें कहीं से भी खोजिए। बेस्ट टीम को लगाइए विराज को खोजने के लिए। सीआईडी के टॉप ऑफिसर्स को ये काम दीजिए। एंड आप प्लीज मेरी अभी अपने सीनियर से बात कराइए प्लीज। आप? मैं शीतल, विराज की वाइफ। मैं विराज के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैम, अपनी शांत हो जाइए। देखिए, हमारे लिए सारे विक्टिम्स एक जैसे ही हैं, मगर एक बात है, जिसने भी ये जुर्म किया है ना, उसे हम पकड़ कर ही रहेंगे और वो भी जल्दी। आखिरी बार विराज को कब देखा था आपने? सर, लगभग 4 घंटे पहले मैं यहाँ आया था। तब विराज की कंडीशन पहले से बहुत ठीक थी। एवरीथिंग वाज फाइन सर। सर, वो जब 2 घंटे पहले मैं रूम में आई थी तो सब कुछ नॉर्मल था और वो अपने बेड पे ही थे। और ये जो आदमी अंदर कमरे में मरा है, ये था उस वक्त? नहीं सर, वो नहीं था, क्योंकि रूम में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड यूज करना होता है और वो कार्ड सिर्फ मेरे ही पास होता है। तो इसका मतलब है कि वो आदमी इस नर्स के जाने के बाद ही अंदर गया है। चेक करते हैं। रेडी, जरा ये कमरा फिर से चेक करो, देखो अंदर आने जाने का कोई और रास्ता है क्या। अंदर कितने लोगों को जाने की परमिशन है? सर, हमने सिर्फ 2 ही कार्ड इशू किए थे, एक हमारे स्टाफ के लिए और दूसरा इनकी फैमिली के लिए। और बिना कार्ड से कोई भी मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता है। सर, सर ये देखिए, इसमें सारी डिटेल्स है। इस नर्स की एंट्री 2 बार है, 2 घंटे पहले और आखिरी एंट्री जब उसने लास्ट को देखा था तब। इस 2 एंट्री के बीच इस रूम में किसी ने भी एंट्री नहीं की।
अगर कोई भी एंट्री नहीं है तो फिर वो आदमी इस कमरे के अंदर गया कैसे? सर, बारूद की स्मेल तो नहीं आ रही? गोली तो सही सलामत है। सर, ये गन किसकी हो सकती है? सर, हो सकता है ये गन इस आदमी की हो। ये विराज कुमार ने यहाँ पर आया हो, हाथापाई हुई हो और विराज ने खुद की जान बचाने के लिए इसका गला काट दिया। ये तो पॉसिबल नहीं है पूर्वी। विराज इस हालत में था ही नहीं कि वो लड़ सके। उसे तो मल्टीपल फ्रैक्चर था। हाँ, जो आदमी हिल तक नहीं सकता था वो गायब कैसे हो सकता है? सर, एक काम करते हैं, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। ये क्या हो गया है? सर, लगता है किसी ने सीसीटीवी कैमरा के साथ छेड़छाड़ की है। मजाक है? आपका ये हॉस्पिटल शहर का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल माना जाता है, पर यहां पर एक आदमी का खून होता है, एक पेशेंट गायब होता है और सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ होती है। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने ये सब। आपके हॉस्पिटल में गन कहां से आई? चेकिंग नहीं करते हैं आप लोग? नहीं सर, सब एंट्री को चेक किया जाता है, पेशेंट को मिलने आने वाला और उनके सामान की भी चेकिंग होती है। यहाँ तक के डॉक्टर और उसके स्टाफ की भी बिना चेकिंग से एंट्री नहीं देते। हमारे यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है सर। अच्छा, गन तो बाहर से ही आई है ना? सबकी चेकिंग होती है, मरीजों की भी? नहीं सर, कोई मरीज सीरियस हो या इमरजेंसी केस हो तो ऐसे में उसको एडमिट करना और ट्रीटमेंट देना हमारी प्रायोरिटी होती है। ऐसे इसमें हम चेकिंग नहीं करते हैं। सर, ये कोई मरीज बनकर गन लेकर आया अंदर? हाँ, विराज दो दिन पहले एडमिट हुआ है, तो पिछले दो दिन से जितने भी बाकी पेशेंट एडमिट हुए हैं सबके डिटेल निकालते हैं। इसी फ्लोर से शुरू करते हैं। प्रशांत, प्रशांत को देखा आपने? Excuse me? Yes? ये जरा फोटो देखिए, इसको पहचानती हैं? हाँ, क्या हुआ इसे? इसका खून हो गया है। क्या? पर ये कल ही तो हमारे वार्ड में एडमिट हुआ था, कैंसर पेशेंट था। लेकिन इससे पहले कि इसका इलाज शुरू हो पता नहीं ये कहाँ चला गया। इसकी डिटेल्स मिल सकते हैं? जी। ये कल शाम को 4 बजे एडमिट हुआ था। इसका नाम विनोद है। एक्चुअली डॉक्टर जाखरे ने इस हॉस्पिटल में उसे रेफर किया। ये रही डिटेल्स। कौन से बेड पे था वो? बेड नंबर 5, वहां। Excuse me. आप CID ऑफिसर हैं? तो अभी तक आपको क्या लग रहा था पेशेंट? पूर्वी, विराज के एडमिट होने के एक दिन बाद विनोद हॉस्पिटल में एडमिट होता है और फिर उसका खून होता है। ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपको तो बड़ा मजा आता होगा ना खूनी को पकड़ने, उसे मारने में। मजा आता तो है, लेकिन यह हमारी ड्यूटी है। वैसे आप, हमने विनोद के बारे में कुछ और नोटिस किया था? नहीं। आप मुझे ये बताइए ना, आपकी जान को तो हर वक्त खतरा रहता होगा ना? हाँ, वो खतरों से खेलकर हम लोग केस सॉल्व करते हैं,
आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी जो है। वाओ, सो ब्रेव। आप लोग, आप कितने बहादुर हैं। वैसे आप लोग भी लोगों की जान बचाती हैं, उनका इलाज करके। हाँ, I mean that's our duty. Thank you. Very nice. हाँ तारिका जी, सारू के साहब आ गए तो वो बॉडी भेज दी है हम लोगों ने। आप चाहें तो आप यहाँ आ सकती हैं। ओह, नहीं आ रही। नहीं, ठीक है, वो मैं आके मिलता हूँ आपको लैब में। ओके, टेक केयर। तारिका जी, आप उन्हें यहाँ बुलाना चाहते थे? हाँ, नहीं, वो एक्चुअली वो बात यह है कि अभिजीत, एक्सक्यूज मी साहब, वो कैंसर का पेशेंट था तो जरूर, लेकिन वो ऐसा दिखता नहीं था बिल्कुल। अब हमारा मतलब बिंदास घूमता टहलता रहता था और देखने में भी एकदम हट्टा कट्टा लग रहा था। सर, अगर वो पेशेंट नहीं था तो उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी नकली होंगे। साहब, कल रात को दरवाजे के बाहर एक आदमी उससे मिलने आया था साहब, हमने आवाज़ सुना था लेकिन हम देख नहीं पाए उसको। लेकिन ना, एक बात है, विनोद ने आज रात के 3 बजे उससे फिर से मिलने का बात कहा था साहब। 3 बजे? फिर साहब हम सो गए और जब सवेरे उठे तो वो अपने बेड पर नहीं था साहब। अभिजीत, इसका मतलब है विनोद का कोई साथी था जिसने उसकी मदद की विराज के कमरे तक जाने की। लेकिन सर, नर्स ने तो कमरे के अंदर किसी को देखा नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विराज की जगह विनोद ने ले ली हो? हो सकता है, और फिर डॉक्टर ने भी तो हमें बताया था कि विराज को तो पूरे बैंडेज में लपेटा गया था, तो बेचारी नर्स भी कैसे पहचान सकेगी कि उस बैंडेज के नीचे विनोद है या विराज है। सर, वो ऐसा करेगा क्यों? लेकिन विराज को बाहर जाते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? फिर वही सवाल है ना अभिजीत, कि विनोद विराज के कमरे तक पहुंचा कैसे, और फिर विराज कमरे में से गायब हुआ कैसे और कहां गया? सर, रूम के अंदर जाने के लिए पास या तो फैमिली के पास था या फिर हॉस्पिटल स्टाफ के पास। उसके बगैर रूम के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। भाई, कोई फैमिली का मेंबर ही मिला हुआ है सर इसमें, या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ। आप में से कोई है जिसने उस आदमी को, विनोद को, विराज के कमरे तक पहुंचने में मदद की है? सर, आप कहना क्या चाह रहे? एक तो मेरे पति गायब है, उन्हें ढूंढने के बजाय आप हम पर शक कर रहे हैं। आपके पति विराज कल रात कमरे से 3 बजे गायब हुए हैं। वो उस हालत में नहीं थे कि वो अकेले कहीं पर भी जा सके, उनको किसी ने मदद की है। ओ सर, कल रात में एक इमरजेंसी केस आ गया था और हॉस्पिटल में नाइट में कम ही स्टाफ होते हैं, और सब हम सबको कैजुअल्टी वार्ड में बुला लिया गया था। तो इसी समय का फायदा उठाया विनोद और उसके साथी ने। हाँ, हॉस्पिटल का स्टाफ उस इमरजेंसी केस में बिजी हो गया तो किसी परिवार वाले ने ही विनोद की मदद की। आप लोगों ने बताया था कि आप लोग बारी बारी से विराज के साथ रुकते थे, तो कल रात 3 बजे कौन था उनके साथ? 3 बजे? जी, वहां पे 3 बजे तो बस हर्ष था। अभय, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे पति हर्ष ने ये सब किया है? मैंने ऐसा कब कहा कि हर्ष ने किया है? मैं तो जो बात सच है वो बता रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि विराज की जान को खतरा था, और ये भी तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट किसी साजिश के तहत किया गया हो। अच्छा, अभय, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम विराज की जान लेना चाहते थे? हमें ये सब कहकर तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? हिम्मत बोलो कि तुम विराज के सिर्फ एक फ्रेंड हो, इसका सगा बनने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, मैं उसका कोई सगा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसका दोस्त हूं, लेकिन मैं एक दो दिन का दोस्त नहीं हूं। आप सब जानते हैं, 25 साल पुराना दोस्त हूं। हॉस्पिटल है। वैसे आपके पति कहां है इस वक्त? हर्ष सर, वो यहीं पर थे, कोई जरूरी कॉल आया था उन्हें, बस 5 मिनट के लिए बाहर गए। अभी अभी बस आ जाएंगे सर, आते ही होंगे। उनका नंबर दीजिए। 1976906287।
सर स्विच ऑफ। फोन स्विच ऑफ है, मतलब भागने की कोशिश कर रहा है सर। हाँ हॉस्पिटल में ही होगा, हाथ से निकल नहीं पाए वो। सुनिए इसे देखा है? नहीं। मैडम आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। क्या कुछ भी नहीं निकला? आपने सारे टेस्ट ठीक से तो किए थे ना डॉक्टर साहब? या श्योर, आप बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। मुझे मालूम था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन रह रहकर बढ़ जाती है, अचानक से घबराहट महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ जाएगा। आप पीछे समझ रहे हैं ना डॉक्टर साहब? मैडम आपके सारे टेस्ट ओके हैं, टोटली फाइन, अब डोंट वरी। आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर से आपके पास आ जाऊंगी। या श्योर। पीछे 5 बार तो आ चुकी इस डॉक्टर से मिलने के लिए और अभी तक तेरी बीमारी का पता नहीं चला तुझे? माँ जी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, कल को कोई बड़ी बीमारी निकल आई तो। सुनिए आप लोगों ने इसे देखा है? ये बड़ी तेजी से भाग रहा था सर, मुझे धक्का भी दिया था, बदतमीज ने सॉरी तक नहीं बोला था मुझे। किस तरह भागा था वो? उधर। थैंक यू। भाई साहब इसे देखा आपने? ये तो अभी लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गया है। इसके साथ में कोई और भी था? हाँ साहब, इसके साथ एक औरत थी, वो औरत एक पेशेंट को व्हीलचेयर पे लेके जा रही थी। ये हर्ष के साथ औरत कौन हो सकती है? व्हीलचेयर पे तो विराज हो सकता है। क्या कर रहे हैं हर्ष जी? सीआईडी। क्या लगा था आपको हॉस्पिटल से भाग जाएंगे हैं? फोन बंद कर दोगे तो बच जाओगे? तुम्हारी कार के जीपीएस से हमने तुम्हें ढूंढ निकाला। विराज कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है विराज को? सर मुझे क्या पता विराज कहाँ है? नहीं पता तो हॉस्पिटल से भागा क्यों हैं? और क्या कर रहे हो ये कागजों का? कौन से कागज हैं ये सब? सर मुझे विराज ने काम पर रखा था अपनी कंपनी में, लेकिन क्या सर दरअसल मुझे विराज की कंपनी में भेजा गया था। अच्छा फिर? विराज के दुश्मनों ने मुझे उसकी कंपनी में जासूसी करने के लिए भेजा था। तो फिर साफ है कि विराज को खत्म करने का भी प्लान होगा तुम्हारा? जी नहीं, मुझे विराज की कंपनी में सिर्फ ये पेपर्स चुराने के लिए भेजा गया था, और जिसने भी मुझे भेजा था उसने मुझसे साफ साफ कहा था कि इन पेपर्स को गायब करना होगा वरना ये सीआईडी के हाथ लग जाएंगे। कल रात 3 बजे तुम वहीं पे थे हॉस्पिटल में, और वो एंट्री कार्ड तुम्हारे पास था? जी हाँ मेरे पास में वो एंट्री कार्ड था सर, लेकिन मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया था, उस दौरान शायद किसी ने मेरे पास से वो निकाल लिया हो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं विराज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा सर। सर मैं तो बस कुछ पैसों के लिए उसकी कंपनी में जासूसी कर रहा था सर, और कुछ भी नहीं। फिर ये सो रहा था तो फिर परिवार के किसी आदमी ने एंट्री कार्ड इसके पास से निकाल लिया होगा। सर इतनी देर हो चुकी है और आप लोगों को हॉस्पिटल में से मेरा विराज अब तक नहीं मिला, क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? मैडम इतना बड़ा हॉस्पिटल है, टाइम तो लगेगा ही ना, हम सब तलाश तो कर रहे हैं ना। देखिए 1 घंटे का टाइम देती हूँ, अगर आप लोगों ने 1 घंटे में मेरे विराज को नहीं ढूंढ निकाला ना तो याद रखिए आप लोगों के इस हॉस्पिटल में ताला लगवा दूंगी। शीतल जी हॉस्पिटल का स्टाफ अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन आपको एक बात बतानी है, हमें कुछ ऐसा पता चला है जिससे आप बहुत परेशान होंगे। ऐसा क्या मिला है आपको? हमने आप सबके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, उससे पता चला है कि अभय कल रात हॉस्पिटल में ही था, वो कहीं नहीं गया। सर मैं अभय हूं, विराज का दोस्त। देखा बड़ा सगा बन रहा था, उसी ने किया है ये सब। कहां है अभय? यहां तो नहीं है सर, चुपके से भाग गया होगा, पकड़े जाने जो वाला है।
ये अभय को किसी ने जाते हुए देखा था? हाँ मैम, और डॉक्टर जाकरे के बारे में पूछ रहे थे। डॉक्टर जाकरे? क्या क्या पूछ रहा था वो? सर वो काफी परेशान दिख रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि डॉक्टर जाकरे कब तक आएंगे। डॉक्टर जाकरे? निकी ने बताया था ना कि विनोद को कैंसर वार्ड में डॉक्टर जाकरे ने एडमिट किया था। इसका नाम विनोद है, डॉक्टर जाकरे ने इस हॉस्पिटल में उसे रेफर किया था। विनोद के साथ ये डॉक्टर भी मिला हुआ है, विनोद अभय, इन दोनों को हॉस्पिटल के अंदर शायद ये डॉक्टर जाकरे ही मदद कर रहा था सर। हाँ दया, जरूरी डॉक्टर जाकरे विराज के बारे में बहुत कुछ जानता है। डॉक्टर जाकरे तो जाकरे जाकरे देखो अंदर देखो। ओह नो सर। हाँ अभिजीत। डॉक्टर जाकरे। ओह माय गॉड, गोली लगी इधर। घर में तो कोई नहीं है। लगता है हमारे आने से पहले अभय आ गया यहाँ। पूर्वी एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। डॉक्टर जाकरे किसने मारा आपको? हाँ विराज कहाँ है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हॉस्पिटल में है। हाँ हॉस्पिटल में है। कहाँ कहाँ पर है वो हॉस्पिटल में? कहाँ पे है? फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर। रुको। हे, कौन हो तुम? हाँ तुम यहाँ के वार्ड बॉय नहीं हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या? कहीं ये विराज तो नहीं है? इसे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? हाँ कौन हो तुम? मैं विराज का दोस्त हूँ। विराज की जान इस समय खतरे में है। प्लीज हेल्प मी, मदद करो मेरी। देखो आई डोंट ट्रस्ट यू। तुम जो कोई भी हो मुझे अभी CID को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखो अगर तुमने मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद की तो मैं तुमको 1,00,000 रुपया दूंगा, नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह, वहाँ फायर एग्जिट है उस तरफ, वहां से हम निकल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू। डॉक्टर जाकरे ने कहा था कि विराज फोर्थ फ्लोर पर ही होगा। एक एक कमरा ढूंढते हैं अच्छी तरह से। सर, सप्लाई रूम। यहां तो जल्दी कोई आता जाता नहीं है, यहां हो सकता है। डॉक्टर आनंद आइए आइए प्लीज। किसी तरीके से मैं विराज को यहां लेकर आया हूं, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। अब भाई मुझे फोर्स मत करो, ये सब बछड़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अब भाई सॉरी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हॉस्पिटल में विराज की जान को खतरा है तभी तो मुझे यहां लेकर आए हैं। विराज के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी साजिश के तहत किया गया था। प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो बात तो ठीक है भाई, लेकिन कातिल अगर यहां आ गया तो? देखिए हॉस्पिटल में हम विराज की जगह विनोद को लेटा कर आए थे ताकि अगर खूनी वहां पे आए तो उसे पकड़ा जा सके। लेकिन डॉक्टर बाद में विनोद का भी किसी ने खून कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आप हेल्प कीजिए। हाँ भाई मेरी बात मानो,
सब कुछ साफ साफ सीआईडी को बता दो, वही तुम्हारी मदद कर सकते। हाँ भाई ठीक है, मैं सब कुछ सीआईडी को बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप इसका इलाज कीजिए। ओके सर, कोई भी नहीं है, बाहर देखते हैं। एक मिनट, सर इसमें तो कोई भी छुप सकता है। ये पीला रंग, एक्सक्यूज मी, ओह नो, इसका मतलब वो नर्स निक्की। ऐसा लगता है कि विराज के गायब होने में ये निक्की और अभय दोनों का हाथ है। सर लेकिन वो लोग विराज को लेकर गायब कहाँ होंगे? विराज के बारे में सभी न्यूज चैनल पे खबर चल रही है, अगर वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। जिस हाल में ये विराज है, बिना डॉक्टर के इलाज के तो मर जाएगा। सर विराज की वाइफ ने बताया था उसका कोई फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद। आनंद, उर्वी उसका फोन ट्रेस करो, पता करो इस आनंद की लोकेशन कहाँ पे है। अबे विराज की हालत सीरियस होती जा रही है, तुम फौरन सीआईडी को इन्फॉर्म कर दो, हम उसे हॉस्पिटल लेके जाते। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या, क्या करिए तुम? क्या किया तुमने? तुम डॉक्टर आनंद, तुम भी नहीं बचोगे। नहीं, नो। काम हो गया, तुम्हारा विराज मेरे पास। सर डॉक्टर आनंद के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं बता रही है। डॉक्टर आनंद, डॉक्टर आनंद, ये तो अभय। गोली लगी है सर, ये तो मर चुका है। सर, सर डॉक्टर आनंद ये भी मर चुके हैं सर। ये सब उस नर्स निक्की का किया धरा है। लेकिन सर एक नर्स ये सब क्यों करेगी? पैसा फ्रेडी, पैसा, पैसा कुछ भी करवा सकता है, लेकिन वो विराज कहाँ है? Oh my God. विराज? Oh no. सांसे चल रही है, जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। विराज घबराओ मत, एम्बुलेंस आ रही है, तुम बच जाओगे। विराज क्या? विराज क्या? क्या बोल रहा? एक मिनट, ये आवाज, सर ये आवाज कैसी? देखो सेकंड बचे, अगर यहां फटा तो बहुत नुकसान हो सकता है। सर कुछ करो जल्दी, वायर काट देते, ये रेड ब्लैक व्हाइट, ये काटो। एक मिनट, आर यू श्योर? श्योर तो नहीं यार, पता नहीं। अरे यार 10 सेकंड, क्या करें?
अभिजीत सर। हाँ मैडम, आपके मोबाइल फोन ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। आई बाहर आई, चलो बाहर आइए। आइए, आप भी बाहर आ जाइए। ये सारा खेल आपने खेला है, इस पर से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। आइए आइए मिस्टर विराज। मैं विराज नहीं हूं। तो तुम हो असली विराज। वहां हॉस्पिटल में नकली विराज को भेज दिया और तुम कहीं और छुपे रहे, क्यों? हाँ ये सच है, मेरा उस कार में एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पर वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। अपने मौत की प्लानिंग मैंने खुद ही की थी। और ऐसा क्यों करना पड़ा तुम्हें? क्या करता मैं, मेरी कंपनी करोड़ों के घाटे में चल रही थी, मैं दिवालिया हो चुका था। इस सबसे बचने के लिए मैंने अपने ही मौत की साजिश रची निहारिका के साथ मिलकर। सभी लोगों को लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, और फिर ऐसे में मेरी बीवी शीतल को ये सारा बवाल झेलना पड़ता। वैसे भी वो मेरे सर का दर्द ही है। ये सब तुमने किया कैसे? ये नकली विराज और वो जो हॉस्पिटल में वो कौन था जिसका खून हुआ? विराज के कहने पर मैंने नकली विराज को गाड़ी में बिठाया था और बाद में उसी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। उसे तो उसी कार में मर जाना चाहिए था, पर वो बच गया। और फिर हॉस्पिटल में सब उसे विराज समझने लगे। नकली विराज अगर अपना मुंह खोल देता तो हम सबकी पोल खुल जाती, इसीलिए मैंने निकी की मदद से उसे हॉस्पिटल से निकालने का प्लान बनाया। विराज, मैं उस रूम में बैठ के नीचे छुपी थी। जब मैं सुनसान को मारने गई तब पता चला कि जो बेड पे था वो विराज नहीं था, और उसने मुझे देख लिया था और वो मुझे मारने की कोशिश करने लगा, और अपने बचाव के चक्कर में मैंने उसे मार दिया। एक्चुअली अभय नकली विराज को असली विराज समझ रहा था, और उसे बचाने के लिए यानी मुझे बचाने के लिए उसने अपना ही एक आदमी रूम में भेज दिया था और नकली विराज को वहां से निकाल दिया था। निकी ने
अबे कई आदमी का खून किया है। मतलब जिसकी लाश हमें हॉस्पिटल के रूम में मिली उसे अभय ने बेचा था तुम्हें बचाने के लिए। और निकी मैडम नकली विराज की तलाश में लग गई और मौका मिलते ही उसका खून कर दिया। नकली विराज ने तुम्हारा सारा खेल चौपट कर दिया। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी और तुमने अपने प्लान के लिए तीन तीन लोगों की जान ली। अपना बिजनेस बचाने के लिए तुमने खूनी खेल खेला। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें और तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।